दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट ऑफ अ पर्सन। तो राइट ऑफ अ पर्सन दो तरीके के होते हैं, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनेम। तो राइट इन रेम हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। राइट इन रेम क्या होता है? राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, मीन्स अगर मैं अपने घर में रह रही हूँ तो मेरा राइट है इन, आपका राइट इन रेम है, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, कि मैं अपने घर में फ्रीली हैप्पीली इंजॉयबल तरीके से रह सकती हूँ, जो मेरा मर्जी है, मैं कितने बजे भी उठ सकती हूँ, कोई भी वर्ल्ड का दूसरा पर्सन मुझे टोक रोक नहीं कर सकता है, और कोई भी कितना भी रिच पर्सन हो, कितना भी पावरफुल पर्सन हो, मुझे अपने घर में रहने से, कुछ भी अपना इंपॉर्टेंट वर्क करने से रोक नहीं सकता है। ये क्या है? राइट इन रेम, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो मुझे अपने घर में रहने का अधिकार है, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, कि मैं किसी भी तरीके से रह सकती हूँ। वहीं पे राइट इन पर्सोनेम क्या होता है, मतलब कि मेरा राइट है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, मींस अगर मैं मनी लेंडर हूँ, मैंने लोन दिया है मिस्टर ए को, तो मेरा हक सिर्फ मिस्टर ए पे बनता है वो लोन रिकवर करने का। मैं जाके उनके पड़ोसी को नहीं बोल सकता कि आप मिस्टर ए का लोन रिकवर करिए, क्योंकि ये क्या है, राइट इन पर्सोनेम है, राइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन ओनली। तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो क्या है, वो राइट इन रेम नहीं है, वो राइट इन पर्सोनेम है। वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर पर्सन से डील करता है, ना कि होल वर्ल्ड से। होप आपको राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनेम समझ में आया होगा। एनी डाउट एंड एनी योर सजेशन प्लीज़ डू कमेंट। टिल देन, बाय बाय।